हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द होमवर्क कॉर्नर आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन सो हमारे फाइनल एग्जाम जो है वो बिल्कुल पास में आ चुके हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम सो आज मैं आपके साथ शेयर करी इंग्लिश सैम्पल पेपर फाइनल टर्म के लिए कोशिश की मैंने कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक को मैं कवर करूं लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा तो मैं पार्ट टू लेकर आऊंगी सो so, आप पार्ट टू का भी वेट करिएगा आज हम पार्ट वन डिस्कस कर लेते हैं सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो So, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है रीराइट दी सेंटेंस इन सेंटेंस को वापस से लिखना है पुट द कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप क्या करना हमें कैपिटल लेटर करना है और फुल स्टॉप लगाना है जैसे यहाँ पे जो टी है जब हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैड बॉस आर बेबी फ्रोग और यहां पर हम पुट कर देंगे फुल स्टॉप क्योंकि कोई भी जो सेंटेंस है वो जो उसको खत्म होता है या फिनिश होता है वो फुल स्टॉप पे होगा या आपका क्वेश्चन मार्क होगा या आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमिनेशन होगा बी है ही बोट a न्यू कार लास्ट वीक तो यहां पर आप जो ही है उसको कैपिटल कर देंगे और बाद में आप लगा देंगे फुल स्टॉप यहां पर भी वी को आप कैपिटल करेंगे वी अराइव ऑफिस लेट इन द मॉर्निंग और बाद में आप लगा देंगे फुल स्टॉप नेक्स्ट है द पुलिस मैन शॉफ अस दू द डोल म्यूजियम तो यहाँ पर भी आप टी जो है उसको कैपिटल करेंगे और बाद में आप लगा देंगे फुल स्टॉप अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की फिल ए और एन इन द ब्लैक्स यहाँ पे हमें आर्टिकल फिल करना है आर्टिकल ए हम यूज करते हैं बिफोर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट और आर्टिकल एन हम यूज करते हैं बिफोर द साउंड ऑफ वावल सो आइसक्रीम तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आर्टिकल एन Nest, a nest, a ship, an ink pot, a boat, an ink pen, an onion, a balloon. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ फिलिंग द ब्लैंक्स विद इज एम आर सो अनिल ब्लैंक स्विमिंग इन द पूल सो देखिए अनिल जो है वो यहाँ पर क्या है आ, नाउन है थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम यूज करेंगे और सबसे आ, बड़ी बात की सिंगुलर हम बच्चों को क्या बताएंगे सिंगुलर और प्लोरल के मेथड से बताएंगे तो जो अनिल है वो एक ही है ठीक है तो उसमें हम यूज करेंगे इज अनिल इज स्विमिंग इन द पूल द स्कूल बैल इज रिंगिंग शिप्स तो यहां पे देखिए प्लूरल है ज्यादा है तो हम यूज करेंगे आर वी मतलब हम तो ज्यादा के लिए हम वी यूज करते हैं सो वी आर हैप्पी दिल चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन और नेक्स्ट है आई एम नॉट अ रेबिट आई के साथ हम यूज करेंगे एम क्वेश्चन नंबर फोर है राइट एंड ऑफ द फॉलोइंग गेन का क्या हो जाएगा हमारा लोस लाइट का क्या हो जाएगा लाइट डार्क फ्रेश का हो जाएगा हमारा स्टेल यानी बासी पॉजिटिव का आपका हो जाएगा नेगेटिव लाइट का आपका हो जाएगा डार्क ओके सॉरी लाइट मैंने दो बार लिख दिया है अर्ली यानी कि जल्दी तो लेट का हमारा हो जाएगा देर ट्र्यू अन्यू फाउंड लोस्ट ठीक है फाउंड का क्या हो जाएगा लोस्ट नाउन और प्रोनाउन या विच टेयर समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट नाउन और प्रोनाउन जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जैसे एनी यहाँ पर जो एनी है वो नाउन है इज माई बेस्ट फ्रेंड सो यहाँ पे फ्रेंड भी नाउन है तो क्या बता रहे हैं? कि जो एनी है ना उसके बारे में क्या बताया गया कि वो फ्रेंड है कैसी फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड है तो यहाँ पर बेस्ट हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव रीता इज अ प्रीटी गर्ल जो रीता है वो नाउन है गर्ल भी नाउन है लेकिन वो कैसी लड़की है प्रीति सुंदर तो यहाँ पे जो प्रीटी है वो एडजेक्टिव है यहाँ पर व्हाइट आपका आएगा और यहाँ पर आएगा आपका ब्यूटीफुल क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं सर्कल द स्पेशल नेम एंड राइट डेम इन द स्पेशल नेम यानी के प्रोपर नाउन प्रॉपर नाउन क्या होते हैं या स्पेशल नेम्स क्या होते हैं स्पेशल नेम इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस ऑफ थिंग हम अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होगी प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब या विच टेलस या इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग जो एक पर्सन के बारे में बताए कैसे पर्सन पर्टिकुलर पर्सन ठीक है पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बताए दे हैव नॉट द जेके टेम्पल नाउ द जेके टेम्पल इज अ पर्टिकुलर प्लेस तो आप इसको यहाँ पर सर्कल करेंगे और यहाँ पर आप इसे लिखेंगे शीशा इंडिया गेट इन दिल्ली आप ना जो दिल्ली है एक पर्टिकुलर प्लेस है और इंडिया गेट भी आप दोनों को सर्कल कर इधर लिखेंगे आसाम इज फेमस फॉर टी तो यहाँ पर आसाम आ जाएगा मेहुल लिव्स इन मेरठ तो यहाँ पे जो मेहुल है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का ही तो नेम है सो so पर्सन का नेम है तो मेहुल और मेरठ दोनों आप यहाँ पर आएगा आपका मिसेज इंदिरा गांधी आपका आएगा और प्राइम मिनिस्टर आपका जो है यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन आई गेव हर या शी आ बुक तो यहाँ पे शी नहीं आएगा आई गेव हर आ बुक ठीक है आई गेव हर आ वो किया आएगा दे या माई हैव तो माई के साथ तो हैव आएगा नहीं तो दे हैव गोन फॉर आ पिकनिक सो आर वी या वी वर सो वी वर शाउटिंग इन द क्लास तो इसका सही आंसर होगा वी यहां पर आपका आएगा शी वॉस द डर्टी ड्रेस शी यू शुड टेक सम रेस्ट मी शुड टेक सम रेस्ट नो यू शुड टेक सम रेस्प यहां पर आपका आएगा यू सो so, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही होप यू लाइक द वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट सैम्पल पेपर में जहां पर आज जो मैंने टॉपिक कवर किए हैं वो मैं नहीं करूंगी सो so, आज के लिए सिर्फ इतना ही होप यू लाइक द वीडियो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करेगा चल देन बाय स्टे सेफ स्टे हेल्दी